संस्कृति एक जटिल समग्र है जिसमें सब चीजें समाई हुई है। ज्ञान, विश्वास, कला, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, मूल्य, इन सबको मनुष्य कब सीखता है? जब समाज का सदस्य बनता है। और मजूमदार और मदन की एक पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उसमें वो कहते हैं कि मनुष्य के रहन सहन का तरीका ही उसकी संस्कृति है। जैसे मनुष्य रहता है, बोलता है, खाता है, पीता है, पहनता है, प्रथाएं परंपराओं को मानता है, वो सब उसकी संस्कृति है। और हर्शकोविट्स की एक पुस्तक है मैन एंड हिज वर्क्स, जिसमें वो कहते हैं कि संस्कृति मानव निर्मित पर्यावरण का एक भाग है। जैसा पर्यावरण होगा वैसी ही संस्कृति मनुष्य बनाएगा। इसलिए पर्यावरण भिन्न भिन्न है तो संस्कृतियां भी भिन्न भिन्न होंगी। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि संस्कृति एक समाज विशेष के संपूर्ण व्यवहार के प्रति मानव अथवा समग्र जीवन विधि को कहते हैं। संस्कृति के अंतर्गत विचार और व्यवहार के सभी प्रकार आ जाते हैं जो संरचनात्मक अंतर्क्रिया के द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं और मानव बोलने से, हावभाव से तथा उदाहरण से इसे प्राप्त करता है, न कि वंशानुक्रमण द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मनुष्य ने जिन भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का निर्माण किया है वे सब संस्कृति के अंतर्गत आती है। हम कहते हैं कि मनुष्य को संस्कृति जन्म से प्राप्त नहीं होती है। जिस तरह से वंशानुगत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं वंशानुक्रमण के द्वारा, हमको नाक नक्श रंग रूप वंशानुक्रमण के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, परंतु संस्कृति हमको जन्म से प्राप्त नहीं होती है, उसे हम सीखते हैं, क्योंकि ये लर्न बिहेवियर है, सीखा हुआ व्यवहार है जो समाज में रहेगा। वो बातचीत से, हावभाव से, विभिन्न प्रकार की अंतरक्रियाओं से मनुष्य संस्कृति को सीखता जाता है और सीखे हुए व्यवहार के अनुकूल आचरण भी करता जाता है, वही उसकी संस्कृति कहलाती है। तो जब ये संस्कृति मनुष्य बनाता है, दो प्रकार की संस्कृति बनाता है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वह संस्कृति है जो दिखाई देती है, जैसे हम कहते हैं स्कूटर है, हवाई जहाज है, रेलगाड़ी है, टेलीविजन है, पंखा है, कैमरा है, ये सब चीजें भौतिक है जो मानव ने अपनी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाई है, वह भौतिक संस्कृति के उदाहरण। इसी तरह से अभौतिक संस्कृति भी है जो मनुष्य की कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाई गई है, जिसमें धर्म है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, मूल्य हैं, आचार विचार के ढंग, ये सब अभौतिक संस्कृति के उदाहरण है जो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकसित किए हैं। जब हम इन संस्कृति से जुड़ी हुई अवधारणाओं की बात करते हैं तो उनमें एक प्रमुख अवधारणा है जिसकी चर्चा हम करते हैं, और वह है नृवंश विज्ञानवाद या प्रजाति केंद्रिकता या एथनोसेंट्रिज्म। एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां दूसरे समाज से भिन्न हैं, अतः प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। क्योंकि समाज का पर्यावरण भिन्न भिन्न है तो वहां पर रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होंगी। जैसे हम कहते हैं पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों की संस्कृति भिन्न क्यों है? क्योंकि वहां का पर्यावरण अलग है, और जब पर्यावरण अलग अलग है तो उनकी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न है, इसलिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई संस्कृति भी भिन्न भिन्न है। समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है, जैसे मैदानी इलाके में अलग संस्कृति है, पहाड़ी में अलग है, ठंडे प्रदेश में अलग संस्कृति है, गर्म प्रदेश में अलग संस्कृति है। और मर्डोक और बील्स आदि मानव शास्त्रियों का मत है कि ऊपरी तौर पर हमें विभिन्न संस्कृतियों में भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो उनमें पर्याप्त समानताएं पाई जाती हैं, और वो समानताएं उनकी आवश्यकताओं के आधार पर है। अलग अलग रूप हैं, लेकिन उन सब में एकता है कि वह किसी न किसी रूप में मानव की कोई न कोई आवश्यकता की पूर्ति करती है। प्रत्येक समाज में प्रथाएं, परंपराएं, लोक रीति, मूल्य, आचार विचार के तरीके, खान पान के तरीके, वेशभूषा के तरीके, ये सब भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज की संस्कृति समाज के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित की गई है। इसलिए समाज से समाज व्यक्तियों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए संस्कृति भी अलग अलग होती है। इसके साथ ही साथ एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और वे उसके अनुसार अपने व्यवहारों एवं विचारों को ढालते हैं। संस्कृति का एक गुण है और वह है संस्कृति आदर्श होती है। जिस समाज में जिस प्रकार की संस्कृति बनाई जाती है और वही संस्कृति वहां के लोग सीखते हैं, उसी संस्कृति का हस्तांतरण भी करते हैं, वही संस्कृति वहां के लोगों की आवश्यकताओं की